एक्चुअली हंडी बिरयानी है, हंडी हम लोग इंडिविजुअली एक एक हंडी को बना के कस्टमर को देते। दिस इज द सेकंड बिरयानी, इसका नाम है मटन बिरयानी। दिस इज अनडाउटेडली माई फेवरेट बिरयानी। वट इज टैंगल योर टेस्ट बट लाइक प्लेट ऑफ चिकन बिरयानी, नथिंग डज राइट। इसीलिए आज मैं आया हूँ मेरे चिकन बिरयानी के सबसे पसंदीदा आउटलेट पर, दैट इज बिग गेन बिरयानी इन कनॉट प्लेस। दिस प्लेस इज फेंटास्टिक एंड इज फेमस फॉर देयर इनसेनली डिलिशियस चिकन बिरयानी। इनके कहने के मुताबिक ये हैदराबाद का ऑथेंटिक चिकन बिरयानी का टेस्ट सर्व करते हैं। इन दिल्ली में इनके मोर देन 23 आउटलेट्स हैं और बहुत पॉपुलर है ये कनॉट प्लेस में स्पेशली। तो चलते हैं बिग गेन बिरयानी और आपको दिखाते हैं कि क्यों है इनके जायके में इतनी खासियत। लेट्स गो। I'm finally at Big Game Biryani. I'm with Manas, who is one of the co-founders of Big Game Biryani. So Manas, hi, how are you? I'm very good, thank you. How are you? I'm good. Manas, aap log, you are finally open for dining. Kitna time ho gaya? It's been 2.5 months. 2.5 months. It started on July 8th. Okay. We are following all the government guidelines and doing the work. तो अब हम थोड़ा जनरल आपसे पूछते हैं कि बिग गेन बिरयानी मानस कितना पुराना ब्रांड है, जब आपने इसको शुरुआत करी? We started in 2014. Okay. It's been 6 years old now. 6 years old. मानस basically I have been very much fond of बिग गेन बिरयानी। मैं 1.5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ and I like the taste. अब मैंने actually हैदराबाद में हैदराबादी authentic बिरयानी नहीं taste करी, बट यू आर क्लेमिंग टू सर्व द ऑथेंटिक हैदराबादी टेस्ट। सो मतलब हैदराबादी बिरयानी आखिर होती क्या और वो कैसे बाकी बिरयानी से डिफरेंट होती है? द प्रोसेस इज डिफरेंट इन हैदराबादी बिरयानी। यू गेट द चिकन ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल, देन यू हैव अ राइस लेयर। ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग हैदराबादी बिरयानी। इन द प्रोसेस द चिकन इज रॉ एंड राइस इज हाफ बॉइल्ड। ओके, आप तो साउथ इंडिया से हो, बट द शेफ हु इज कुकिंग द बिरयानी वो भी साउथ इंडिया से है? ही इज फ्रॉम हैदराबाद, आवर हेड शेफ इज फ्रॉम हैदराबाद। ओके, वेरी नाइस, ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय। ओके, चलिए ठीक है, वेरी नाइस। अब हम लोग किचन में चलते हैं, लेट्स सी हाउ दे प्रिपेयर देयर हैदराबादी दम बिरयानी एंड उसके बाद हम लोग डाइनिंग करते हैं। लेट्स गो। ये हमारी पहली बिरयानी बन रही है, कौन सी बन रही है? ये एक्चुअली हंडी बिरयानी है, हंडी बिर्यानी। हम लोग इंडिविजुअली एक एक हंडी को बना के कस्टमर को देते हैं। इसके लिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यू गेट द स्वाद ऑफ दैट बिरयानी। हाँ जी, आई मीन जैसे पकेगा तुरंत आपको मिल जाएगी टेबल पे। ओके, सो इट टेक्स 20 to 25 minutes टाइम। अच्छा, बट यू विल एंजॉय द बिरयानी। हाँ जी, और दीज आर द स्पाइसेस जो आप यूज करते हो? You can see in the main bowl, which is our recipe. It comes from the base kitchen. I mean, we have an SOP, how much to put. So, iske saab se wo masala, that is the main masala. Uh-huh. And we'll add dahi and adrak lehsun in this, mainly. And iske saath na layering of rice karte hain, rice paka dete hain. उसके बाद इस ये ओवन में जाएगा मैरिनेशन के बाद, मतलब साथ में ये पकता है? हाँ, पकता है। अच्छा, मैरिनेशन करने के बाद इसमें ऊपर राइस डालेगा हम लोग। हाँ जी, उसके बाद ओवन में जाएगा। ओके, पर अराउंड 20 मिनट तक जाएगा। ओके, उसके बाद बाहर आएगा आपको बना। ओके, तो हैदराबादी बिरयानी का जो प्रिपरेशन होता है वही सारे स्पाइसेस आप इसमें यूज करते हो इसी तरीके से? यस, द सेम स्पाइसेस। इवन वी गेट मेनी ऑफ द स्पाइसेस फ्रॉम हैदराबाद एंड केरला। Okay. So that we get the exact Hyderabadi biryani as a outcome. Authenticity बनी रहे। Yeah. Okay, very nice. इसका like अगर हम टाइम के हिसाब से जाएं तो आपको एक प्लेट प्रिपेयर करने में कितना समय लग जाता है? 45 मिनट्स लगता है टोटल टाइम। हाँ जी। उसमें आप एक ही बार यू कैन पुट इट 25 or 30, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट टाइमिंग वी पुट इट। बेसिकली वॉट वी सी इज दैट whichever the hundi is been prepared, it should be consumed in 1 hour. Okay. Basically, Hyderabadi biryani ka ek trend hoti hai. हाँ जी।
जैसे टाइम बढ़ेगा आपका टेस्ट कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. या व्हेन यू हैव पंपिंग हॉट बिरयानी इट टेस्ट डिफरेंट. ओके. व्हेन इट इज आफ्टर 2-3 hours और 4 hours ऑफ बिरयानी इट हैज इट लूजेस इट्स टेस्ट. समझ गया मैं आपकी बात. मतलब उसके बाद अगर आप दोबारा कुक करके खाना चाहोगे तो वो टेस्ट वो गरम करके अगर खाना चाहोगे कभी भी नहीं आएगा. कभी भी नहीं आएगा. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक केयर इट शुड बी इन 1-1.5 hour में हंडी खत्म करना. जब तक उसका हीट और फ्लेवर तो 100% रहेगा. वेरी नाइस. ये कितना क्वांटिटी प्रिपेयर हो रहा है? हाफ और क्वार्टर? ये तो फुल क्वांटिटी है. फुल क्वांटिटी है फॉर टू पीपल. फॉर टू पीपल. या वेरी नाइस. तो मानस इसको मतलब 5-7 minutes तक बॉईल करने के बाद आप इसको अब हांडी में डालने के साथ चिकन हमारा नीचे ही है. हाँ. अब हम इसको आटा लगाकर कवर कर देंगे. हाँ, आटा लगा के उसके बाद ओवन में जाएगा फॉर 20 minutes. ओके. हाँ, इसमें थोड़ा ऊपर घी डालेगा, थोड़ा गार्निशिंग करेगा. हाँ जी. एंड इट गोज टू द ओवन. ओके. एंड इट कम्स द हैदराबादी बिरयानी. तो किसी को भी अगर चिकन बिरयानी खानी है तो वो इसी तरीके से प्रिपेयर करी जाती है और इसी तरीके से सर्व करी जाती है. दिस इज द ओनली द प्रोसेस फॉर हैदराबादी बिरयानी. ओके. ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी इज मेड लाइक दिस. परफेक्ट परफेक्ट. थैंक यू मानस. बिरयानी इज फाइनली ऑन द टेबल. मैं बिरयानी को ज़्यादा इंतज़ार करवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम बिरयानी से ही शुरुआत करें बिकॉज दिस इज़ द स्पेशलिटी. और उसके बाद हम लोग स्टार्टर्स के मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा. मैं आपको नाम बता देता हूँ कि चिकन लॉलीपॉप है, उसके बाद तंदूरी चिकन टिक्का, उसके बाद हमारे पास है पनीर टिक्का, फिर हमारे पास हनी चिली पोटैटो. और बिरयानी जो इनकी स्पेशलिटी है दैट इज़ हांडी दम बिरयानी एंड मटन बिरयानी. हम शुरुआत करते हैं चिकन बिरयानी से. और इन लोगों की एक स्पेशलिटी रहती है कि ये अपनी तरफ से टेबल पर जाके खुद ही इनका स्टाफ खाना सर्व करना प्रेफर करता है. अब आपकी मर्जी, आप करवाना चाहते हो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा गर्म है तो हम सर्व करवा ही लेते हैं. सर, कैन यू हेल्प? तो चिकन बिरयानी से शुरुआत करते हैं. प्राइस 550 रुपीज़ था और ये फुल प्लेट है जो कि सफिशेंट होती है दो लोगों के लिए. अब मैं आपको एक बात बताऊं तो मैंने कभी हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी वहां जाकर तो कभी नहीं टेस्ट करी, बट जो एग्जैक्टली क्लोज मैच होगा ना हैदराबादी बिरयानी का वो यही होना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी डिलिशियस होती है. लास्ट विजिट में मैंने टेस्ट करी थी और आज मुझे ये प्रिपरेशन वाइज प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है. मैं आपको पास से दिखाता हूँ एक बारी. तो ये है चिकन बिरयानी. राइस आपको दिखेगा कि एक एक दाना काफ़ी अच्छे से खिला हुआ है, बहुत ही फ्रेश राइस है, गुड क्वालिटी ऑफ राइस दे आर यूजिंग. चिकन का पीस मुझे बहुत ही, लेग पीस है हम सबका ही बहुत फेवरेट होता है आई नो, और काफ़ी टेंडर लग रहा है, काफ़ी अच्छे से मैरिनेटेड लग रहा है. लुक्स वेरी एपेटाइजिंग यार, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं टेस्ट कर ही लेता हूँ इसको. एक और वाइट लेते हैं इनके मिर्ची के सालन के साथ. और ये है रायता जो कि आपको हर प्लेट के साथ ही सर्व किया जाता है. फर्स्ट बाइट मैंने टेस्ट करी थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी. अब मैं एक बारी ग्रेवी के साथ खाना चाहूंगा. दिस इज अनडाउटेडली माई फेवरेट बिरयानी. मेरी तो है, मुझे आप लोगों को नहीं पता. आप लोगों को शायद बिग गेम की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, शायद आपको कोई और ब्रांड की पसंद होगी. आई हैव नो ऑफेंस टू एनी वन, बट मेरी ये फेवरेट है. द रीज़न बींग मुझे इसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका स्टाइल ऑफ कुकिंग, इनका क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा है. इसके साथ साथ द चिकन इज वेरी लाइक मैरिनेटेड, मतलब इतने अच्छे मसालों में और इतने टेस्टी मसालों में. इसमें एक एक चीज़ आप टेस्ट कर पाओगे, चाहे वो कोई भी मसाला हो या फिर जितने अच्छे तरीके से ये पका हुआ है. इसकी जो स्किन है बाहर की गोल्डन कलर है और बहुत ही टेंडर है, टेस्ट करने में बहुत ही टेस्टी है. द राइस इज़ वेरी गुड, वेरी फ्रेश. बिरयानी में ज़्यादा
चिपचिपापन नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, एक मीडियम है, बैलेंस है, विच मेक द टेस्ट वेरी गुड. आई लव्ड इट यार, द बेस्ट चिकन बिरयानी, मज़ा आ गया. आप थोड़ा इसको होल्ड देते हैं और हम मटन बिरयानी टेस्ट करते हैं. दिस इज द सेकंड बिरयानी, इसका नाम है मटन बिरयानी, प्राइस है 310 रुपीस. द प्रिपरेशन स्टाइल इज वेरी सिमिलर. यू नो दीज पीपल आर फ्रॉम हैदराबाद और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि हैदराबाद में अब जाके लोग थोड़ा बहुत चिकन को एक्नॉलेज करने लगे हैं. उससे पहले जो ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी है ना, जिसकी इतनी तारीफ करी जाती है, वो एक्चुअली मटन बिरयानी है रादर देन चिकन बिरयानी. उसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है. दिस हैड लॉट ऑफ मीट प्रपोर्शन और इसी की वजह से इसके अंदर जो स्पाइसेस होल्ड थे ना, वो और ज़्यादा बढ़ गए थे, और ज़्यादा मसालेदार लग रहा है. लव्ड इट यार. अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना भी पसंद है तो मटन बिरयानी आपके लिए बेटर रहेगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ. वाओ, द टेस्ट जो कि इसके अंदर आपको मिलेगा ना मसालों का, वो इसके अंदर थोड़ा मिसिंग था. मतलब मटन बिरयानी के अंदर जो एक जो उभर के आ रहे हैं ना स्पाइसेस, वो थोड़ा सा चिकन के अंदर लैक कर जाते हैं. इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी टेस्टी. बाकी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, मुझे बहुत पसंद आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा. लव्ड इट यार. मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि बिगिन आके आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करना, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, और आई बिलीव आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगी. द टेस्ट दे आर सर्विंग टॉप नॉच, आई एम लविंग इट. बिरयानी के बाद हमारी स्टार्टर्स की बारी आती है. हमने स्टार्टर्स को थोड़ा डिले कर दिया बिकॉज बिरयानी यार गरम गरम मतलब खाने का मज़ा ही अलग होता है और मुझे वो इन्जॉय करना था एटलीस्ट. ये है सबसे पहले हमारे पास चिकन मलाई टिक्का. एक बाइट लेके देखते हैं इसका कैसा है. बहुत डिसेंट टेस्ट है. इफ यू आर अ फैन ऑफ मलाई टिक्का तो आपको ये पसंद आएगा. चिकन मलाई टिक्का वाज गुड. चिकन लॉलीपॉप ट्राई करते हैं. दिस इज यम्मी यार, आई लाइक इट. मतलब स्टार्टर्स में दिस वाज माय फेवरेट चिकन लॉलीपॉप. फाइनली बारी आ गई है हमारी डेजर्ट की. डेजर्ट में हमारे पास है गुलाब जामुन, इसके साथ है हमारे पास डबल का मीठा. माय मील इज कंप्लीट यार, माय मील इज कंप्लीट. वाओ, loved it. I am saying it from my heart ki abhi tak ke non vegetarians ke mere bahut sare reviews rahe hain, but this one was one of my favorites. The food super good. Mutton biryani was second, chicken biryani then chicken lollipop. Dessert mein dono double ka meetha and the gulab jamun bahut tasty the. To abhi ki video ke liye itna hi. Ab main apna khana continue karta hu. Jo khana bachega we'll give that away or we'll take it home. Thank you for watching the video. Hope you liked my work. Hope you liked my video. मुझे बहुत मजा आया Again बिरयानी के इस review में. आपको अगर ये video पसंद आई है, आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद आया, तो आप इस video को like कर सकते हो and आप इस video को share कर सकते हो अपने friends को बताने के लिए कि Connaught Place में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतना delicious food मिलता है. That is my recommendation to you. और आप यहाँ आकर ये food try कर सकते हो. अभी मैं चलता हूँ, लेकिन this is Ayush. Take care. Bye bye.